पौंग वेटलैंड क्षेत्र में हजारों किसानों को गेहूं की बिजाई करने से रोकने के वन्य प्राणी विंग के फरमान से पूर्व सांसद व धूमल सरकार में राजस्व मंत्री रहे डॉक्टर राजन सुशांत भड़क उठे हैं। उन्होंने जयराम सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। पौंग विस्थापितों को गेहूं की बिजाई से रोकने के लिए पूर्व सांसद व धूमल सरकार में राजस्व मंत्री रहे डॉक्टर राजन सुशांत भड़क उठे हैं। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दो दिनों में वेटलैंड क्षेत्र में किसानों को गेहूं की बिजाई से रोकने के वन्य प्राणी विंग के आदेशों को वापस न लेने की स्थिति में वे खुद मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर चाहे सरकार लाठी चार्ज ही क्यों ना करे। इससे पहले वे शिमला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मसले पर बात करेंगे। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुशांत ने कहा कि वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी से इस मसले को उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी स्तर पर मामले के निपटारे का आश्वासन दिया गया, लेकिन वन्य प्राणी विंग के अधिकारी उनको हाईकोर्ट के निर्देशों के साथ साथ वेटलैंड एक्ट का हवाला देकर गेहूं की बिजाई करने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों को जमीन से खदेड़कर उनके ट्रैक्टर जब्त किए जा रहे हैं और जुर्माना भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि 10 जुलाई 1968 को केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के अलावा राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्रियों और हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में तय शर्तों की आज तक अनुपालना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि समझौते में हिमाचल से उजड़ने वाले लोगों को आवास, स्कूल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का दावा किया गया था, लेकिन बदले में इन लोगों को ठोकरें ही मिली है। श्री गंगानगर में एक भी विस्थापित सही तरीके से नहीं बस पाया है। उन्होंने कहा कि उस समय के 16,000 विस्थापितों में से अधिकतर आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 50,000 किसान भूखे मरने की नौबत पर पहुंच चुके हैं। ये पौंग डैम विस्थापित हैं, इन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए हिमाचल में जो भी भूमि इनके पास थी वो सारी की सारी पौंग डैम को दे दी। पौंग डैम बन गया, अब यहाँ ये लैंडलेस हो चुके हैं और समझौते के अनुसार जो इनको राजस्थान में नहरी मुरब्बे मिलने चाहिए थे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, मार्केट आदि जो सुविधाएं देकर कॉलोनीज बनानी थी, ना वो कॉलोनीज बनी ना नहरी मुरब्बे बने। अब ये पिछले 50 साल से लगातार जब सर्दियों के दिनों में पौंग झील का पानी उतर जाता है तो वहाँ पर खेती बाड़ी करके एक साल भर का राशन अपने और अपने परिवार के लिए पैदा करते हैं, उसी से पेट भरते हैं। अब दिक्कत ये हुई है कि पिछले 1.5 महीना पहले से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस दिए हैं कि खेती बाड़ी बंद करें, नहीं तो आपके ऊपर केस करेंगे, मुकदमे चलेंगे। स्थिति ये हो गई है कि इन्होंने 3 शक्तियों का इसमें जिक्र किया है, एक हाईकोर्ट का कि हमें हाईकोर्ट के निर्देश हैं, एक वेटलैंड का और एक वाइल्ड लाइफ एक्ट का। मुझे ये कहना है कि इन्होंने बहुत ही गुमराह किया है। हाईकोर्ट का कोई भी मान्य हाईकोर्ट का कोई आदेश ऐसा है नहीं, निर्देश ऐसा है नहीं, और वेटलैंड जो रूल्स भी बने हैं उसमें भी कहीं भी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में नहीं आता है, ये रेगुलेटेड लिस्ट में है। और इसके लिए वाइस यूज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 1 सेकंड में वाइस यूज़ में एग्रीकल्चर जोड़ करके तो ये खेती बाड़ी इजाज़त दे सकती है। ऐसा केरल में हो रहा है जो देश में सबसे बड़ा वेटलैंड स्टेट है, उत्तराखंड में हो रहा है, बाकी जगह हो रहा है। हम तो बार बार मिल लिए हैं, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मैं मिला हूँ, पॉलिटिकल एडवाइज़र से मिला हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं 21 तारीख को मिला हूँ, सब ने आश्वासन दिया। लेकिन ये आश्वासन देते हैं, हमारे किसान जाते हैं तो उनके ट्रैक्टर इंपाउंड हो रहे हैं, उन पर जुर्माने लग रहे हैं, उन पर FIR दर्ज हो रही है। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि यदि विस्थापितों को सही तरीके से नहीं बसाया जा सकता है तो उन्हें 50,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वाइल्ड लाइफ अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों का झूठा हवाला देकर अवमानना कर रहे हैं, ऐसे में यदि आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।